So, hello guys, this is me Ankita and welcome to my channel AC Edu Hub. And आज इस वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट द सिलेबस ऑफ क्लास 11 एंड 12. तो जैसे कि हमें पता है, बहुत पहले ही 9th से लेके 12th तक के सिलेबस में चेंजेस आए हैं. एंड उस टाइम पे मैंने कोई ऐसा वीडियोज़ नहीं बनाई थी कि क्या चेंजेस है क्या नहीं है. एंड स्पेशली इस वीडियो में हम 11 एंड 12th के पॉलिटिकल साइंस के लेके बात करेंगे. तो यार देखो, जब आपके सिलेबस चेंज हुए थे तब मैंने वीडियोज़ नहीं बनाए थे, जब डिलीट हुआ फिर वो चैप्टर्स वगैरह तभी भी मैंने वीडियोस नहीं बनाए थे. बिकॉज एक्चुअली एक तो ये रीज़न था कि मुझे लग रहा था उस टाइम पे भी और कुछ चेंजेस आ सकते हैं. बिकॉज एक ऐसा सिचुएशन था जहाँ पे चेंज हो रहे थे, कभी नहीं हो रहे थे. जैसे हिस्ट्री के चैप्टर्स आपके चेंज हो गए थे, नेम चेंज कर दिए गए थे, फिर से दोबारा जब रिवाइज सिलेबस आया उसमें दोबारा सेम चैप्टर का नाम डाल दिया गया. तो बाद में और फिर मैंने वीडियोज़ भी नहीं बनाए. बट आप लोगों के काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स, मैसेजेस, DMs आ रहे थे कि सिलेबस को लेके. तो मुझे लग रहा है कि आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आ रही है, स्पेशली अगर हम पॉलिटिकल साइंस की बात करें. इसमें काफ़ी सारे चैप्टर्स में जो है न्यू टॉपिक्स ऐड किए गए हैं, कुछ में हटाया गया, आपको शायद समझ नहीं आ रहा हो. जो भी रिवाइज सिलेबस है, मैं आपको CBSE की तरफ से जो रिवाइज सिलेबस आए हैं उसके बेस पे मैं आपको बताऊंगी क्लास 12 एंड क्लास 11th में क्या क्या चेंजेस आए, ठीक है? तो जो भी होगा वो स्पेशली बेस्ड है CBSE पे. अब चेंज हो गया तो CBSE का देख लेना, ठीक है? चेंज हो गया तो CBSE की तरफ से फिर नोटिफिकेशन आ जाएगी. तो हम बात करते हैं यार, पहले हम क्लास 12 की बात करेंगे फिर हम 11 की बात करेंगे. तो अगर हम 12 की बात करें, आपके पास दो बुक है, एक तो आपकी जो ये वाली वर्ल्ड वाली बुक है, ठीक है, एंड दूसरा आपकी इंडिया वाली बुक है. तो वर्ल्ड वाली बुक से पहले स्टार्ट करते हैं. वर्ल्ड वाली बुक में आपका जो कोल्ड वॉर एरा है, ठीक है, आप यहाँ पे मैं नीचे एक लिंक दे दूंगी, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं. आपको पता होगा CBSE का जो भी है, आपने देख तो लिया ही होगा पहले से, फिर भी मैं एक बार आपको क्लियर कर दूँ. अगर हम फर्स्ट चैप्टर देखें, दैट इज़ द कोल्ड वॉर एरा, ठीक है. तो कोल्ड वॉर एरा में जो प्रपोज्ड कंटेंट है, मीन्स जो आपको बताया गया है, जो आपको पढ़ना है, वो है एमर्जेंस ऑफ टू पावर ब्लॉक्स, बाइपोलैरिटी जो है, ठीक है, जो मतलब दो पावर ब्लॉक्स आए थे USA और USSR के, जो नाटो वर्सेस ये सब बने थे, इन सबको पढ़ना है. एंड मैंने ऑलरेडी इस चैप्टर का वीडियो बना दिया है, बट फिर भी मैंने उस वीडियो में जो है मैंने फुल टॉपिक्स कवर किए हैं, जस्ट बिकॉज कि अगर बाद में दोबारा चेंज हो गया तो आपको कोई दिक्कत ना आए. बट अगर आपको स्पेशली वही टॉपिक पढ़ना है जो प्रपोज्ड है, तो एक तो है एमरजेंस ऑफ टू पावर ब्लॉक, तो यहाँ पे क्यूबन मिसाइल क्राइसिस नहीं है, ओके. एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर क्या था, क्या हुआ था, वो सब कोई बकवास यहाँ पे नहीं है, बस एमरजेंस ऑफ टू पावर ब्लॉक है. एंड इसको समझने के लिए आपको पहले पढ़ना ही पड़ेगा कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में क्या हुआ था, ठीक है. तो थोड़ा सा बैकग्राउंड वहाँ पे आपको पढ़ना है. एंड साथ में बाइपोलैरिटी एंड नॉन अलाइंड मूवमेंट, तो यहाँ पे टू एमरजेंस वाला पढ़ना है, USA USSR का कोल्ड वॉर जो चल रहा था, और नाम के बारे में पढ़ना. ये दो टॉपिक्स ही बस दिए गए हैं यहाँ पे पढ़ने के लिए. अब नाम में आपको जो भी टॉपिक्स कवर है सारा ही करना है, ठीक है, क्योंकि स्पेशली कुछ मेंशन नहीं है यहाँ पे, तो नाम का कवर करना है. होप इट्स क्लियर. उसके बाद भी एंड ऑफ बाइपोलैरिटी ये भी चैप्टर मैंने अपलोड किया हुआ है, अगर आपने नहीं देखा है तो जाके देख सकते हैं. यहाँ पे प्रपोज्ड कंटेंट क्या है मैं आपको बता दूँ, डिसइंटीग्रेशन ऑफ USSR, ठीक है. आपके बुक में जो है आप मार्क कर लो, जो टॉपिक्स है उसको मार्क कर लो, दी डिसइंटीग्रेशन ऑफ USSR. एंड उसके साथ है मिडिल ईस्ट क्राइसिस में गल्फ वॉर जो है, चैप्टर 3 जो आपकी US हेजेमनी है, वहाँ पे फर्स्ट पेज में देखना, एक स्टोरी है उसके नीचे ये फर्स्ट पेज में आपको लिखा हुआ है, दैट इज़ द गल्फ वॉर. उससे रिलेटेड जो भी टॉपिक्स वगैरह है वो आपके सेकेंड यूनिट में मर्ज्ड है, ओके. एंड उसके साथ है डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स एंड डेमोक्रेटाइजेशन, CIS एंड 21st सेंचुरी, ओके. सो इसमें अफगानिस्तान का एक पढ़ना है, अफगानिस्तान में दो ऑपरेशन हुए थे ड्यूरिंग फ्रीडम इन फाइनाइट रीच, इसको आपको पढ़ना है. एंड उसके साथ जो अरब स्प्रिंग है, तो ये तीनों चीजें जो मेन टॉपिक्स न्यू ऐड किए गए हैं उसको मैंने कवर कर रखा, अगर आपने नहीं देखा तो जाके देख सकते हैं. तो इसमें बस इतना ही टॉपिक है, ओके. उसके बाद जो है कॉन्फ्लिक्ट, रशिया इंडिया का रिलेशन, क्या था USSR इंडिया का रिलेशन, ये कुछ नहीं मेंशन है प्रपोज यूनिट में. तो यार देख लो, अभी तक तो आप इतना पढ़ो, अगर बाद में बोल दिया गया कि मतलब सारा ही पढ़ना है तो आपको बाद में पढ़ना पड़ेगा. US हेजेमनी चैप्टर 3 में बहुत बच्चों को कंफ्यूजन है कि डिलीटेड है, क्या है इसके पोर्शन क्या है. मैं बता दूं, इसके
ये चैप्टर डिलीटेड है बट इसमें से दो तीन टॉपिक्स जो है चैप्टर टू में मर्ज हुए हैं जो मैंने अभी आपको बताया. ऑल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर चैप्टर फोर आपका जो है मतलब ऑफिशियली जो चैप्टर फोर था पहले यूएसए जो मैंने हट गया वो चैप्टर थ्री हो गया होगा. तो वहाँ पे आपको जो है बिल्कुल डिफरेंट है. यहाँ पे क्या करना है देखो, यहाँ पे चार नेशंस के बारे में पढ़ना है एंड चार ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में पढ़ना है. जैसे फर्स्ट जो है ईयू यूरोपियन यूनियन आसियान सार्क एंड ब्रिक्स के बारे में पढ़ना है एंड चार नेशन के बारे में पढ़ना है चाइना इंडिया रशिया एंड आपके और एक कौन सा है इसराइल. ठीक है, तो इससे रिलेटेड मैंने वीडियोस बना रखी है, आप जाके देख सकते हो. इसमें नया एडिशन क्या हुआ है, ब्रिक्स ऐड हुआ है एंड इससे रिलेटेड स्टडी मटेरियल सीबीएसई ने दिया हुआ है. इसराइल का ऐड हुआ है, इंडिया का ऐड हुआ है, रशिया का ऐड हुआ है. चाइना ऑलरेडी चैप्टर फोर में था. ठीक है, चाइना एंड इंडिया का जो एंड यस चाइना एंड इंडिया का जो रिलेशन है मैं बता दूँ यहाँ पे आई डोंट थिंक कि चाइना एंड इंडिया रिलेशन मैटर रखेगा चाइना वाले टॉपिक में बिकॉज यहाँ पे आपको बस चाइना के बारे में पढ़ना है, उनकी इकोनॉमी उनकी पॉलिटिकल इन सब चीज़ों को पढ़ना है. ठीक है, अगर हम इसराइल का भी पढ़ रहे हैं तो हमें बस इसराइल का पढ़ना है, इसराइल इंडिया रिलेशन का कुछ नहीं है. तो इसलिए जो मैंने वीडियो बनाया है वहाँ पे चाइना इंडिया रिलेशन को मैंने छोड़ रखा है बिकॉज आई थिंक अगर चाइना के बारे में पढ़ना है तो बस हमें चाइना के ही बारे में पढ़ना है, उनके नेशन के बारे में पढ़ना है. ठीक है, उसके बाद चैप्टर फाइव जो है कंटेम्प्रेरी साउथ एशियन पोस्ट वॉर, यहाँ पे जो है कॉन्फ्लिक्ट्स एंड एफर्ट्स फॉर पीस जो कि हुआ था पाकिस्तान में, नेपाल में, बांग्लादेश, श्रीलंका, ओके एंड मालदीव्स. यस, तो ये जो है ये आपको करना है, ये ऑलरेडी उस चैप्टर में है तो इसमें दिक्कत नहीं होगी. सिक्स चैप्टर जो है इंटरनेशनल रिलेशन, इसमें आपको क्या पढ़ना है, प्रिंसिपल ऑर्गेनाइजेशंस इंटरनेशनल रिलेशंस आपके और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर सिक्स में था. ओके, सो चैप्टर सिक्स जो है उसमें आपको यूनेस्को, यूनिसेफ, हु के बारे में एंड आईएलओ के बारे में पढ़ना है, सिक्योरिटी काउंसिल एंड द नीड फॉर इट्स एक्सपेंशन, इनके बारे में पढ़ना है. जिसमें से यूनेस्को भी न्यूली एडेड है, यूनिसेफ न्यूली एडेड है, हु एंड आईएलओ, आईएलओ के बारे में आपको थोड़ा बहुत मिल जाएगा एंड हु के बारे में भी आपको पढ़ना पड़ेगा. तो कम्प्लीटली जो है सिलेबस चेंज्ड है, यहाँ पे आपको थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है बिकॉज अभी तक कोई न्यू सिलेबस नहीं आया है, तो इंटरनेट सोर्सेज एंड एनसीईआरटी मटेरियल से ही पढ़ना पड़ेगा. एंड सेवन चैप्टर दैट इज बीच के दो चैप्टर्स जो थे आपको पता होंगे, जो सिक्योरिटी इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड एंड जो एनवायरनमेंट वाला चैप्टर था हट गया, आई होप आपको पता है ये. एंड नाइन चैप्टर जो है ग्लोबलाइजेशन, उनकी मीनिंग, डिबेट्स एंड मैनिफेस्टेशन को पढ़ना है. दैट्स इट अबाउट योर वर्ल्ड बुक. अब इंडिया बुक का थोड़ा सा आपको कंफ्यूजिंग लगेगा, ये है इंडिया बुक. इसमें से बहुत बच्चों को दिक्कत आ रही है एंड आने की तो बहुत ज्यादा चांसेस भी है बिकॉज इसमें थोड़े से चेंजेस हुए हैं. जैसे कि अगर फर्स्ट चैप्टर देख लो चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग, यहाँ पे नेशन एंड नेशन बिल्डिंग तो है जो पहले का था. सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में आपको पढ़ना है, उन्होंने कैसे प्रिंसली स्टेट्स को जो है उन्होंने यूनाइट किया था, बचाया था एंड इंडिया को टूटने से बचाया था. ठीक है, ये सब पढ़ना है. लिगेसी ऑफ पार्टीशन, चैलेंजेस ऑफ रेफ्यूजीज, ये सब है आपके चैप्टर में ऑलरेडी. एक जो आपका कश्मीर इशू है, ठीक है, एंड नेहरूज अप्रोच टू नेशन बिल्डिंग, पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स ओवर लैंग्वेज एंड लिंग्विस्टिक ऑर्गेनाइजेशंस एक्सेट्रा. तो ये जो है एक तो कश्मीर इशू जो है आपको चैप्टर एट से मिल जाएगा एंड नेहरूज अप्रोच, ये थोड़ा सा आपको इंटरनेट सोर्स यूज करना पड़ेगा यहाँ पे इन सब टॉपिक्स को पढ़ने के लिए. ठीक है, तो ये जो चैप्टर वन है इसमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो है एक साथ मर्ज हो गई है. उसके बाद चैप्टर टू जो है एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस, ये वाला चैप्टर फाइव जो आपका था चैलेंजेस टू एंड रिस्टोरेशन ऑफ द कांग्रेस सिस्टम, तो कांग्रेस सिस्टम ये वाला चैप्टर मर्ज हो गया बिकॉज इसमें पूरा ही वही था. ठीक है, एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस में आपको कांग्रेस सिस्टम ही पढ़ना होता है. उसके बाद पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट में देखो दो चीज़ है प्रपोज्ड कंटेंट में, एक है नीति आयोग एंड दूसरा है एनडीसी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल. अब ये दोनों ही जो टॉपिक है ये आपके जो ओल्ड कंटेंट है मीन जो ओल्ड बुक थे उसमें नहीं लिखे हैं. ओके, यहाँ पे नीति आयोग आपको पढ़ना है एंड यहाँ पे नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल आपको पढ़ना है. तो दोनों ही न्यू एडिशन है आपके जो बुक में थे. प्लानिंग कमीशन था, फर्स्ट फाइव ईयर प्लान, सेकंड फाइव ईयर प्लान, थर्ड फाइव ईयर प्लान, ग्रीन रेवोल्यूशन, ये सब था आपके थर्ड चैप्टर में बट अभी जो है चेंजेस हुए हैं एंड दो चैप्टर को रखा गया है, नीति आयोग एंड नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल. ठीक है,
तो उसके बाद है, तो अगर आप सोच रहे कि इसमें से टॉपिक्स डिलीट हुए हैं, ये हुए हैं, तो मैं आपको बता दूं, मुझे लगता है सारे डिलीट हो गए, बस दो न्यू एडिशन इसमें हुआ है। इंडियाज एक्सटर्नल रिलेशन फोर्थ चैप्टर, इसमें आपको पढ़ना है द प्रिंसिपल्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी, इंडियन चैलेंजिंग रिलेशन विथ अदर नेशंस जैसे यूएस, रशिया, चाइना, इजराइल, इंडिया, न्यूक्लियर प्रोग्राम, इन सब के बारे में पढ़ना है। इंडिया की फॉरेन पॉलिसी एंड इनके साथ जो भी चेंजिंग रिलेशंस है इसको आपको पढ़ना है। उसके बाद चैलेंजेस टू दी कांग्रेस सिस्टम, यहाँ पे आपको कांग्रेस सिस्टम, बाई पार्टी सिस्टम, मल्टी पार्टी सिस्टम, कोएलिशन सिस्टम, तो चैप्टर टू जो है उसमें आपको कोएलिशन सिस्टम मिल जाएगा, कांग्रेस सिस्टम मिल जाएगा, ठीक है, बाई पार्टी, मल्टी पार्टी सिस्टम, ये सारा वहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये जो चैप्टर है ये इसके साथ मर्ज हुआ है एंड इस चैप्टर में आपको यही पढ़ना है। क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेटिक ऑर्डर, अब आपका जो है क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेटिक ऑर्डर चैप्टर 6, इसमें आपको क्या पढ़ना है, देखो जयप्रकाश नारायण, टोटल रेवोल्यूशन, राम मनोहर लोहिया एंड सोशलिज्म, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, मतलब ये जो है आपको ना कुछ स्टैम्प्स दिखेंगे उस चैप्टर में, ठीक है, छोटे छोटे स्टैम्प्स दिखेंगे, पीले पीले येलो कलर के आपको साइड में स्टैम्प्स दिखेंगे, उनको भी थोड़ा सा रेफर करना, बिकॉज वहाँ पे जयप्रकाश नारायण के बारे में, दीनदयाल उपाध्याय के बारे में, राम मनोहर लोहिया के बारे में वहाँ पे लिखा हुआ है, बिकॉज हमारे इस चैप्टर में एक्सप्लिसिटली या ब्रॉड वे में इनके बारे में इतने डिटेल्ड वे में नहीं लिखा हुआ है। जो आपके स्टैम्प्स है उनको भी रेफर करना, इंटरनेट को भी, एज वेल एज आपके जो एनसीईआरटी मटेरियल्स है। उसके बाद 14 चैप्टर मींस लास्ट चैप्टर जो है रीसेंट डेवलपमेंट इन इंडियन पॉलिटिक्स, तो जो बीच के थे रीजनल एस्पिरेशन एज वेल एज राइज ऑफ पॉपुलर मूवमेंट्स, दोनों हट गए हैं, राइज ऑफ पॉपुलर मूवमेंट्स कंप्लीटली हट गया है, रीजनल एस्पिरेशन में से बस कश्मीर को सेकंड चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर में डाला गया, दैट इज कश्मीर इशू। तो रीसेंट डेवलपमेंट में आपको नेशनल फ्रंट, यूनाइटेड फ्रंट, यूपीए, उसके बाद डेमोक्रेटिक अलायंस, इशू ऑफ डेवलपमेंट एंड गवर्नेंस, तो जो एनडीए, यूपीए, नेशनल फ्रंट, ये जो गवर्नमेंट है, इन सब के बारे में आपको इसमें पढ़ना पड़ेगा। तो आपके यहाँ पे कितने चैप्टर है, टोटल 7 चैप्टर्स है, 2 चैप्टर हट गए हैं, एंड रीजनल एस्पिरेशन में से आपका कौन सा इंक्लूड हुआ है, कश्मीर इशू इंक्लूड हुआ है। फर्स्ट चैप्टर में काफी सारा इन्होंने टॉपिक्स डाला है, ठीक है, तो दैट इज ऑल अबाउट योर पॉलिटिकल साइंस सिलेबस ऑफ क्लास 12 एंड दिस इज द एक्चुअल सिलेबस टिल नाउ, बिकॉज ये रिवाइज सिलेबस है जो मैं आपको बता रही हूँ, एंड इसकी लिंक जो है मैं आपको नीचे दे दूंगी, आप वहाँ से भी जाके देख सकते हैं। डिलीटेड पोर्शन की भी लिंक वहाँ पे सेम जगह पे आपको मिल जाएगी, तो वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। एंड अभी मैं आपको एक छोटा सा टिप्स देना चाहती हूँ, देखो अभी बिकॉज ये सिलेबस वगैरह इतने ज़्यादा चेंजेस आए हैं, तो मैं इतना रिकमेंड करूँगी कि जो चैप्टर्स में कम से कम चेंजेस आए, ठीक है, जो चैप्टर में मतलब एक दो टॉपिक टॉपिक्स हटे हैं या फिर ऐड हुए हैं, जिसको आप मतलब पढ़ सकते हो, आप बुक में से आप उसको रेफर कर सकते हो, उनको पहले पढ़ो, जिसमें मेजर चेंजेस आया है उसको आप बाद में पढ़ोगे तो भी चलेगा, बिकॉज अगर हो सकता है कि बाद में नया बुक आए या फिर मटेरियल्स वगैरह दे, ठीक है, तो जो चैप्टर्स में कम से कम चेंजेस आए हैं उनको अभी पढ़ो। कुछ वीडियोज जो है मैंने भी बनाए, आप उसको देख सकते हो, आगे भी और वीडियोज आते रहेंगे तो उसको भी आप देख सकते हो। एंड मैं पॉलिटिकल साइंस के फर्स्ट बुक को थोड़ा लेट आई थिंक शुरू कर सकती हूँ, बिकॉज अभी तक कुछ प्रॉपर मटीरियल नहीं है इन टॉपिक्स पे, फिर भी आई विल ट्राई। सो एक ही ये टिप्स होगी कि जो चैप्टर्स में कम से कम चेंजेस आए हैं उनको पहले पढ़ो, उनको पहले पक्का कर लो, ठीक है, कि अच्छे से वो चैप्टर कर लो, ताकि बाद में जो भी चैप्टर्स में मेजर चेंजेस आए हैं उसको आप बाद में पढ़ सको अच्छे से। ओके, अब 11th की तरफ मूव ऑन करते हैं, तो 11th में भी दो बुक है, एक तो आपकी जो कॉन्स्टिट्यूशन वाली बुक है जो फर्स्ट बुक है, सेकेंड है पॉलिटिकल थ्योरी के ऊपर बुक है। तो आपको पॉलिटिकल थ्योरी में कौन कौन सा पढ़ना है, फर्स्ट चैप्टर जो है पॉलिटिकल थ्योरी एंड इंट्रोडक्शन, लिबर्टी, इक्वालिटी, जस्टिस, राइट्स एंड डेवलपमेंट, एंड लिबर्टी जो है ये फ्रीडम वाला जो आपका सेकंड चैप्टर है वही है लिबर्टी वाला चैप्टर। सो लिबर्टी, इक्वालिटी, जस्टिस, राइट्स एंड डेवलपमेंट, यही आपके चैप्टर्स हैं। इसके अलावा जो भी चैप्टर्स मेंशन है वो कंप्लीटली डिलीटेड है। ओके, उसके बाद अगर हम फर्स्ट बुक जो है आपका कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर जो बुक है उसमें जो फर्स्ट चैप्टर है कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें फिलोसॉफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी एड हुआ है, जो आपका लास्ट चैप्टर
था उसको फर्स्ट चैप्टर में ऐड कर दिया गया है। जो सेकंड चैप्टर था जिसमें आपके फंडामेंटल राइट्स एज वेल एज डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इन सबको फर्स्ट चैप्टर में ऐड कर दिया गया है। तो फर्स्ट चैप्टर इज इक्वल टू चैप्टर 1 प्लस चैप्टर 2 प्लस चैप्टर 10 जो आपके लास्ट में था इन सबको ऐड कर दिया गया। ठीक है, तो आपको फिलोसफी भी पढ़नी है, मेकिंग भी पढ़ना है, फंडामेंटल राइट्स, ड्यूटीज, डायरेक्टिव प्रिंसिपल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स, बस यही पढ़ना है। ओके, उसके अलावा जो भी है उसको हटा दिया गया है, बस आपको फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल, फंडामेंटल ड्यूटीज, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, फिलोसफी एंड मेकिंग, इनको पढ़ना है। ओके, उसके बाद इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन जो थर्ड वाला चैप्टर था वो आपका सेकेंड चैप्टर हो गया है। इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन जहाँ पे इलेक्शन सिस्टम इन इंडिया ये पढ़ना है, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पढ़ना है एंड इलेक्शन एंड डेमोक्रेसी पढ़ना है। उसके बाद है लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी एंड लोकल गवर्नमेंट, यही है। ओके, तो इसमें से सेकेंड चैप्टर 10 चैप्टर फर्स्ट चैप्टर के साथ मर्ज हो गया है, थर्ड चैप्टर वही है। उसके बाद लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी ये तो पढ़ना ही है, साथ में लोकल गवर्नमेंट भी पढ़ना है। लोकल गवर्नमेंट में से कुछ दो टॉपिक्स जो है हटाए गए हैं। ठीक है, तो लोकल गवर्नमेंट में आपको बस 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है, जो पंचायती राज एंड म्यूनिसिपैलिटी वाला है, बस यही पढ़ना है। ठीक है, सो दैट इज योर कंप्लीट एक्चुअल सिलेबस अकॉर्डिंग टू CBSE जो रिवाइज सिलेबस है, जो मैंने अभी रिसेंटली भी चेक किया था, तो यही सिलेबस है, कोई चेंजेस नहीं है। एंड दैट इज ऑल अबाउट योर सिलेबस ऑफ क्लास 11 एंड 12। एंड 11 के लिए भी यही बोलूंगी मैं, जिनमें मेजर चेंजेस आए हैं उनको थोड़ा सा, उनको थोड़े लेट पड़े, जो जिसमें कम चेंजेस है या फिर जो चैप्टर एज इट इज है उसमें कोई ज्यादा चेंजेस नहीं है, उनको पहले पढ़े, पहले उनको अच्छे से कंफर्म करें। ठीक है, सो दैट इज ऑल अबाउट योर सिलेबस। आई होप पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड जो भी डाउट्स थे आपको क्लियर हो गया है। कोई भी डाउट है फिर भी तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, यू कैन DM मी ऑन Instagram। Instagram की ID जो हैंडल है मेरी, उसकी लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर आप इस चैनल का मेंबरशिप लेना चाहते हैं तो नीचे ज्वाइन का बटन है, वहां पे क्लिक करके आप डिफरेंट पर्क्स एंड डिफरेंट फैसिलिटीज के बारे में देख सकते हैं। टिल देन स्टे ट्यून्ड विद दिस चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। एंड वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड या अगर किसी दोस्त को, आपकी किसी दोस्त को भी कंफ्यूजन है सिलेबस से रिलेटेड, पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड, प्लीज शेयर विद देम टू। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।